हेलो लर्नर्स वेलकम टू चैनल तो जैसा कि आपको पता है कि सभी ह्यूमन बींग्स की कुछ ना कुछ नीड्स होती हैं कुछ ना कुछ वांट्स होती हैं और उसको सेटिस्फाई करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाया जाता है और उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उन नीड्स और वांट्स को सेटिसफाई करने के लिए तो एक सिस्टम होता है जिसके तहत रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है और एक्सचेंज किया जाता है यानी कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है कंडक्ट किया जाता है कि वॉट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस तो ये एक सिस्टम के तहत जो है डिसाइड किया जाता है तो कहीं पर

इकोनॉमिक सिस्टम होता है इसमें नॉर्मली हम किसको किसको इन्वॉल्व करते हैं तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गए इंस्टीट्यूशंस हो गए डिफरेंट पॉलिसी मैकेनिज्म हो गया पीपल्स हो हो जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सचेंज और कंजम्पशन में वो सभी लोग इकोनॉमिक सिस्टम में आ जाते हैं तो यहां पर हम बात करेंगे फोकस करेंगे कि इकोनॉमिक सिस्टम कितने टाइप के होते हैं तो इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब सिंपल सा है आप इतना समझिएगा कि इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब वो सिस्टम जिसके तहत किसी भी कंट्री में किसी भी सोसाइटी में कैसे प्रोडक्शन होता है कौन प्रोडक्शन करता है कैसे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सचेंज होता है और कैसे कंजम्पन होता है कैसे रिसोर्स को एलोकेट किया जाता है लोगों के जिससे कि उसको प्रोडक्शन किया जा सके और जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी नीड और वॉन्ट्स को सेटिस्फाई किया जा सके अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू डब्ल्यू लाउक्स एन इकोनॉमिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ दोज इंस्टीट्यूशंस विच ए गिवन नेशन और ग्रुप ऑफ नेशन हैज चूजेन और एक्सेप्टेड एज द मीन थ्रू विच देस आर यूटिलाइज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड एंड इकोनॉमिक इकोनॉमिक सिस्टम वो इंस्टीट्यूशन को कंसिस्ट करता है जिसको जो है, जो नेशन के लोगों ने चूज किया है सेलेक्ट किया है जिसके थ्रू उनके रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाएगा और ह्यूमन की नीड एंड वॉन्ट्स को सेटिस्फाई किया जाएगा यह इकोनॉमिक सिस्टम का डिफिनेशन दिया डब्ल्यू डब्ल्यू लाउक्स ने तो इकोनॉमिक सिस्टम जो है तीन टाइप की होती है कौन कौन सी टाइप

तो क्या है तीनों में हम तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले कैपिटलिज्म तो कैपिटलिज्म आप देखेंगे तो कैपिटलिज्म जो प्रोडक्शन होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये काम जो होता है ये प्राइवेटली ऑन्ड होता है यानी कि ट्रेड इंडस्ट्रीज एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड लेबर कैपिटल आर कंप्लीटली प्राइवेटली ऑन्ड तो जो यहां पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है वो पूरा का पूरा प्राइवेट कंपनीज़ जो है उसको ऑन करती हैं और वही जो है रन करती हैं यानी कि प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज ये सबके किसके हाथों में होता है प्राइवेट कंपनीज़ के हाथों में होता है तो इस कैपिटलिस्ट को हम फ्री मार्केट इकोनॉमी या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक के नाम से भी जानते हैं तो यहाँ पर जो कैपिटलिज्म में जो होता है वो प्रोडक्शन और प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा मार्केट फोर्स यानी कि डिमांड एंड सप्लाई तो कितना प्रोडक्शन करना है क्या प्राइस होनी है वो डिमांड और सप्लाई पर होगा यानी कि किसी प्रोडक्ट किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कम है और डिमांड ज़्यादा है तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा हो जाएगी वहीं पर किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो बट अब से तो लोग प्रोडक्शन भी उसका कम कर देंगे तो मतलब कि ये मार्केट फोर्सेज भी जो है यहां पे प्रोडक्शन और प्राइसिस डिटरमाइन की जाती है किसमें कैपिटलिज्म पे यहां पे क्या होता है लेसिस फेयर फिलोसफी चलता है कैपिटलिज्म यानी कि यहां पे गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता है कैपिटलिज्म याद रखिए कैपिटलिज्म जहां पे कैपिटल इकोनॉमी कहते हैं फिर फ्री मार्केट इकोनॉमी कहते हैं यहां पे मार्केट को फ्रीली छोड़ दिया जाता है यानी कि गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता प्राइवेट जो ऑनर्स हैं वो अच्छे से अपना प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्ट कर सकते हैं अपना बिजनेस रन कर सकते हैं तो फॉलोज लेसेस फेयर फिलोसफी यानी कि नो इंटरफियंस ऑफ गवर्नमेंट तो जैसे कि हमने बताया यूके हो गया यूएस हो गया ये सब क्या है ये कैपिटलिज्म यहाँ पे चलता है ठीक है तो फादर ऑफ़ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसको कहा जाता है तो एडम स्मिथ को यानी कि ये जो फिलोसफी है जो कॉन्सेप्ट दिए कैपिटलिज्म का ये एडम स्मिथ को जो है रिगार्ड किया जाता है फादर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बात कर लें फीचर्स की तो फीचर्स यहीं से निकलेंगे क्या हो गए फीचर्स पहला कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर प्राइवेट ऑनड होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन यहाँ पे लार्ज स्केल में प्रोडक्शन किया जा सकता है क्योंकि भाई

हाईली बारगेंड यानी कि यहां पे क्या होता है कि कैपिटलिज्म में जो वेजेस होता है जो सैलरी दिया जाता है एम्प्लॉइज को वो बारगेन किया जाता है क्योंकि प्राइवेट कंपनीज है आपको कम पैसे में भी हम जो है आपसे ज्यादा काम लेते हैं यानी कि यहां पे एक्सप्लॉटेशन जो है ज्यादा होता है कैपिटलिज्म पे तो मेरिट डिमेरिट्स में भी वही चीजें आ जाएंगी कि मेरिट क्या होगी कैपिटलिज्म इकोनॉमी की हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन होगा सबसे इंपॉर्टेंट मेरिट यानी कि फायदे बेनिफिट्स क्या हैं तो हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन होगा प्रोडक्ट ऑफ हाई क्वालिटी आपको मिलेगा वो भी लो कॉस्ट मिलेगा और ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी भी आपकी इकोनॉमी की होगी लेकिन डिमेरिट्स भी होते हैं यहाँ पे क्या कि मोनोपोली बढ़ेगी कैपिटल क्या है कि मोनोपोली कि यहां पे क्या होगा कि कोई एक ही ब्रांड जो है सबसे सक्सेसफुल होता जाएगा उसी के पास सारा कुछ आ जाएगा तो मोनोपोली होती जाएगी यानी कि सभी कुछ उसके पास हो जाएंगे इनइक्विलिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ भी होगा किसी के पास ज्यादा पैसा ज्यादा इनकम होगा किसी के पास कम पैसा कम इनकम होगा तो इन हो जाता है डिप्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट भी कैपिटलिज्म पे होती है और यूटिलाइजेशन नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स यहाँ पे जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है वो सही तरीके से नहीं हो पाता क्योंकि यहां पे जो मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मेकिंग होता है तो यहां पे लोग एक्सप्लॉयट करते हैं रिसोर्सेज का भी एक्सप्लोर्टेशन होता है

गवर्नमेंट होता है इसको हम सोशलिस्ट या फिर कमांड इकोनॉमी के नाम से भी जाते हैं कमांड जैसे कि आर्मी में होता है कमांड ऊपर से आता है नीचे पूरा एक सिस्टम फॉलो होता है तो प्रोडक्शन और प्राइसेज यहाँ पे कैसे डिटरमाइन किया जाएगी तो प्रोडक्शन तो और प्राइस वो डिटरमाइन होती है स्टेट द्वारा यानी कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है वहां पर क्या था मार्केट फोर्स कैपिटलिज्म में मार्केट फोर्सेज था मार्केट फोर्स यानी कि डिमांड और सप्लाई डिटरमाइन करते थे लेकिन सोशलिज्म में जो है वो स्टेट यानी कि गवर्नमेंट जो है वो डिटरमाइन करती वो है कि प्रोडक्शन और प्राइसिस क्या होगा यहाँ पे ओ लिखा है आई ई है यहाँ पर जो एक चीज की बेनिफिट ये होती है सोशलिज्म की यहाँ पे आपको पब्लिक वेलफेयर मिलेगा भाई सोसाइटी है गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के काम करती है उसका मेन मोटिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता गवर्नमेंट का गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होता है कि सोशल को वेलफेयर के लिए काम करें सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम करे तो यहाँ पे गारंटीज पब्लिक वेलफेयर एंड इक्वेल्टी अमाउंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी तो गवर्नमेंट में क्या होगा कि सब कुछ अगर गवर्नमेंट ही देख रही है तो यहाँ पे सभी को इक्वल चांस मिलेगी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी पब्लिक वेलफेयर बढ़ेगा तो यहां पे हम कार्ल मार्क्स जो है इनको फादर ऑफ सोशलिज्म कहा जाता है फादर ऑफ सोशलिज्म किसको कहा जाएगा कार्ल मार्क्स को वहां कैपिटल्स में एडम स्मिथ को तो यहाँ पे कुछ सोशलिस्ट कंट्रीज भी हैं जो कि सोशल इकोनॉमिक फॉलो करती हैं दैट इज रसिया चाइना यहाँ पे गवर्नमेंट का ही पूरा चलता है सब कुछ हर जगह की गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन ही चलते हैं यहाँ पे प्राइवेट को पार्टनरशिप नहीं मिलती तो फीचर्स की बात कर लें तो क्या हो जाएगा सोशलिज फीचर तो दैट इज़ सोशल ऑनरशिप यानी कि यहाँ पे सोसाइटी की ऑनरशिप होती है सोशल वेलफेयर यानी कि यहाँ पे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम किया जाता है सेंट्रल प्लानिंग होती है जैसे कि आप देखते होंगे प्लानिंग कमीशन होती है वो सभी पूरे पूरे देश भर के लोगों के लिए प्लानिंग तैयार करती है कि कैसे कैसे क्या क्या, क्या चीज़ें कंडक्ट की जाएंगी और यहाँ पर इक्वलिटी ऑफ इनकम एंड अपॉर्चुनिटी भी होता है सोशलिज्म इकोनॉमी पे एंड इंडिविजुअल कैन हैव प्राइवेट प्रॉपर्टी इन फॉर्म ऑफ रेजिडेंस फर्नीचर अदर कंज्यूमेबल गुड्स बट जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होता है यानी बिजनेस रिलेटेड होता है इंडस्ट्रीज रिलेटेड होता है वहाँ पर पब्लिक प्राइवेट ऑनरशिप नहीं होती है सोशलिज्म इकोनॉमी पर सोशलिज इकोनॉमी यानी सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है यानी कि आपको अपना रेजिडेंस हो गया आपके फर्नीचर हो गया फिर जो कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं वो सब पे आपका अधिकार रहेगा प्राइवेट ऑनरशिप रहेगी लेकिन जो बिजनेस हो गया प्रोडक्शन और इन सब चीज़ें होंगी यहाँ पर जो है गवर्नमेंट का ऑनरशिप होता है सोशलिज्म इकोनॉमी में अब हम बात कर लें मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की तो मेरिट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की अपसेंस ऑफ मोनोपोली यहाँ पर मोनोपोली नहीं होगी राइट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज गवर्नमेंट है तो सभी रिसोर्सेज का सही तरीके से यूटिलाइजेशन करेगी एब्सेंस ऑफ बिजनेस फ्लक्चुएशन जो बिजनेस फ्लक्चुएशन होते हैं कभी रिसेशन आ गया फ्लक्चुएशन हो रही सारी चीजें यहां पर कम होती हैं और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है कि यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है सभी को इक्वली चीजें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं वहीं पर डीमेरिट्स भी होती है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसकी लॉस ऑफ कंज्यूमर सॉबजिटी यानी कि यहाँ पे कंज्यूमर की जो सॉबजिटी है वो खो जाती है यानी कि उसके अधिकार या फ्रीडम कह लीजिए कंज्यूमर का वो यहाँ पे नहीं रह जाता क्योंकि गवर्नमेंट जो देगी आपको एक्सेप्ट करना है फिक्स्ड ऑक्युपेशन यहाँ पे कुछ ऑक्युपेशन फिक्स्ड हो जाएंगे वही आपको ऑक्युपेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी जो है ज़्यादा होती है सोशलिज्म ब्यूरोसी में आपके आ, कमांड जो मिलेगा वैसे आपको फॉलो करना वही चीज आपको परफॉर्म करनी है नेक्स्ट और लास्ट इकोनॉमिक टाइप ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में है मिक्सड इकोनॉम मी मिक्सड इकोनॉमी यहाँ पे क्या होगा नाम से क्लियर मिक्स है यानी कि कि पब्लिक भी भी है भी है प्राइवेट यानी ऐसा system, ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम गवर्नमेंट ऐसी कंट्री जहां पे पब्लिक ऑनरशिप भी रहती है और प्राइवेट ऑनरशिप भी होती है प्राइवेट ऑनरशिप यहाँ पे अलाउ होती है मिक्सड इकोनॉमी लेकिन पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है मिक्स इकोनॉमी में क्या होगा कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा लेकिन वो डिपेंड करता है कहीं पर कुछ कंट्रीज में कम इंटरफेरेंस होता है कुछ कंट्रीज में ज्यादा इंटरफेरेंस होता है तो मिक्सड इकोमी में क्या होता है कि प्राइवेट ऑनरशिप भी होगी यानी कि प्राइवेट कंपनीज भी अपना प्रोडक्ट बेचेंगी गवर्नमेंट कंपनीज भी अपना प्रोडक्ट

प्राइवेट है तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों एक साथ ऑनरशिप है या दोनों एक साथ काम कर रही हैं और बिजनेस परफॉर्म कर रही हैं तो यहाँ पे फीचर्स की बात करें तो फीचर्स क्या हो जाएगा मिक्स uh, इकोनॉमी का कि को ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर यहाँ कि दोनों सेक्टर यहाँ पे को एक्जिस्ट करेंगे इस इकोनॉमी में इकोनॉमिक प्लानिंग होगी प्राइस मैकेनिज्म होगा गवर्नमेंट डिसाइड करेगी यानी भी मिक्सड इकोनॉमी में एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि गवर्नमेंट बहुत सारे रूल रेगुलेशन लेके आती है जिसके तहत पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को काम करना पड़ता है यानी कि जैसे कंपनी लॉ अगर आप एक कंपनी प्राइवेट कंपनी ओपन करो तो आपको कंपनी लॉ जो है कंपनी लॉ है उसको फॉलो करना पड़ेगा पार्टनरशिप एक्ट है उसको फॉलो करना पड़ेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत आपकी आएगी। कि आपको पूरी फ्रीडम इकोनॉमी में प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट सेक्टर को पूरी फ्रीडम नहीं मिलती इंटरवेंशन यहां पर रहता है कहीं ना कहीं आपको नेक्स्ट आपका इसमें की बात कर लें। तो स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है भाई, पब्लिक भी काम कर रही है और प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रही है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्पीडी होगा ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा और लेबर का एक्सप्लोटेशन यहाँ पे आप नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे कम होता है वहीं पे डी मेरिट्स की बात करें तो नॉन कॉपरेशन बिटवीन द टू सेक्टर यानी कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में कहीं ना कहीं कॉपरेशन कम हो जाता है इन इफिसियट पब्लिक सेक्टर यानी कि पब्लिक सेक्टर में इफिसिट रहती है रेड टेपेज यानी कि बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन का वर्क यहाँ पे होता था करप्शन है ब्राइबरी है फेवरेटिज्म है ये सारी चीज़ें पब्लिक सेक्टर होने की वजह से होने लगती हैं और फ्रीडम जो है वो इनडेंजर है कि यहाँ पर फ्रीडम आपको पूरी नहीं मिलती है आप जो है को, कोई भी प्राइवेट कंपनी ओपन कर लिए कहीं भी आपने कुछ गड़बड़ किया तो आपके ऊपर अलग अलग एक्ट के तहत आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है केसेस लिए जा सकते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी फ्रीडम जो है खतरे में रहती है मिक्सड इकोनॉमी में लेकिन कोई भी हो चाहे वो कैपिटलिज्म हो चाहे सोशलिज्म हो चाहे मिक्सड इकोनॉमी हो तीनों में कहीं ना कहीं आपको रिस्क भी है तो कहीं ना कहीं कोई आपको फायदा भी है तो ये जो है टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है सोशलिज्म कैपिटलिज्म और मिक्सड इकोनॉमी यू ऑल द बेस्ट कीप वॉचिंग